प्रायोजक हैं होटल फाइव सेंसेस, एके टेंट एंड केटर। सायं प्रणाम, सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर, मैं हूँ प्रियंका। आइए अब नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार की 130वीं जयंती समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भाई जी के जीवन पर डाला प्रकाश। इस्लामिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स के निर्माणाधीन पोर्टिको का छज्जा गिरा, एक की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। बेलघाट थाने की पुलिस ने 24 घंटे के अंदर अपहृत बालक को बरामद कर अपहरणकर्ता को किया गिरफ्तार। जिलाधिकारी ने दी जानकारी, कहा अनुपस्थित मिले अधिकारियों व कर्मचारियों पर होगी विभागीय कार्यवाही। जिला चिकित्सालय में सीटी स्कैन मशीन व प्रिंटर खराब, मरीजों को करना पड़ रहा है दिक्कतों का सामना। स्वर्णकार कारीगर कल्याण सेवा समिति के सदस्यों ने हादसे में मृत राजू वर्मा के परिजनों की सहायता के लिए श्रम आयुक्त को सौंपा ज्ञापन। और माँ तरगुल्हा देवी धाम चैरिटेबल ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने मेले के दृष्टिगत श्रद्धालुओं की सहूलियत को देखते हुए मोबाइल शौचालय, शुद्ध पेयजल व सुरक्षा को लेकर सौंपा ज्ञापन। गुरुवार को गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हनुमान प्रसाद पोद्दार स्मारक समिति द्वारा भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार की तपोभूमि गीता वाटिका प्रांगण में भाई जी के 130वीं जयंती समारोह के अवसर पर श्रद्धा चरण सभा में सम्मिलित हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की। वहीं पाथे पूज्य श्री विश्वनाथ भाई कश्यप जी महाराज द्वारा किया गया। साथ ही विशिष्ट अतिथि महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय वर्धा महाराष्ट्र के कुलपति प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ला, अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना नई दिल्ली के राष्ट्रीय संगठन सचिव डॉक्टर बाल मुकुंद पांडे, अधिष्ठाता कला संकाय छात्र कल्याण सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हरीश कुमार शर्मा एवं शोध प्रशासन भारतीय इतिहास आयुर्विज्ञान परिषद के निदेशक डॉक्टर उपाध्याय मौजूद रहे। इस मौके पर भाई जी की समाधि का पूजन, दीप प्रज्वलन, मधुर गान, संकीर्तन, समाधि परिक्रमा एवं पूज्य बाबा की आरती की गई। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों का बखान करते हुए उनके जीवन, कृतित्व व व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला। इस मौके पर समिति के मंत्री उमेश कुमार सिंघानिया, संयुक्त मंत्री रसिंदु फोगला व बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। Thank you.
50-51 वर्ष पहले, और इतने वर्षों के बाद भी भाई जी को उनकी पावन जयंती में हम स्मरण कर रहे हैं, उन्हें अपनी भावांजलि दे रहे हैं। इसके पीछे कोई ना कोई भाव तो जरूर होगा। अगर आज भी उसी श्रद्धा भाव के साथ जब वो अपने भौतिक देह से हम सबके सामने थे और उनका साक्षात सानिध्य प्राप्त होता था, उस समय भी जो श्रद्धा भाव प्रत्येक सनातन धर्मावलंबी को उनके प्रति था, वही आज भी बना हुआ है, तो कारण जरूर होगा। और उसका जो सबसे बड़ा कारण है वह था ये कि सद्गुरु भाई जी ने कभी भी अपने विचार और अपने आचार में, यानी अपने आचरण और अपने विचार में कहीं भी अलग अलग भाव नहीं होने दिया। ऐसा नहीं कि बोला कुछ और किया कुछ। एक सच्चा धार्मिक व्यक्ति वही होता है जो जो बोलता है उसके अनुरूप आचरण भी करता है, और वही विश्वसनीयता का आधार बनता है। इतने वर्षों के बाद भी अगर हम सब उनका स्मरण कर रहे हैं तो इसलिए कि जिस श्रीमद् भगवत गीता के आदर्शों को लेकर के उन्होंने कल्याण के आदि संपादक के रूप में अपनी सेवा प्रारंभ की थी, उसमें जिस प्रकार के लेख लिखे, जिस प्रकार के आलेखों का संपादन किया, उसके रूप उन्होंने जीवन स्वयं भी जिया। वास्तव में भाई जी का पूरा जीवन सनातन धर्म के लिए समर्पित था। हमें आश्चर्य होता है कभी कभी जब हम लोग देखते हैं कि हमारा धर्म तो इस बात की प्रेरणा कभी नहीं देता, लेकिन तब भी उस प्रकार का आचरण होता है और बड़े बड़े लोगों के द्वारा उस प्रकार की बातें की जाती है, तो हमें आश्चर्य होता है इन सब चीजों को लेकर। धर्म केवल पूजा पाठ नहीं है, धर्म केवल एक उपासना विधि नहीं है। रिलीजन एक उपासना विधि हो सकती है, लेकिन सनातन धर्म ने तो जितनी विराटता प्राप्त की और जितने मार्ग खोले हैं, अभ्युदय के लिए भी और निश्रेष्ठ के लिए भी, यानी इस लोक में हम सांसारिक उत्कर्ष के लिए कार्य करेंगे और जब इस लोक की यात्रा पूरी होगी तो मोक्ष की प्राप्ति हमें हमारे कर्मों के आधार पर स्वतः ही प्राप्त होगी। यही सनातन धर्म कहता है और यही जीवन किया था भाई जी। अब याद करिए, कोई भी ऐसा राष्ट्रीय आंदोलन जो सनातन धर्म के अनुकूल हो, भारत के अनुकूल हो,
मानवता के कल्याण के अनुकूल हो और जीव मात्र के कल्याण के अनुकूल हो। इन चारों में आप देखें जो भी इनके अनुकूल है उसमें भाई जी की प्रत्यक्ष भूमिका उन सभी आंदोलनों उन सभी अभियानों के साथ सदियों जुड़ी रही। उन्होंने गीता प्रेस को और कल्याण को अपनी सेवा का माध्यम बनाया लेकिन आंदोलनों में भी आजादी के आंदोलन में भी सक्रिय रहे। उसके लिए उन्हें जेल भी जाना पड़ा। देश की आजादी के बाद देश को किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए उन आंदोलनों में भी उन अभियानों में भी इस सक्रिय भूमिका के साथ आगे बढ़े। स्वतंत्र भारत में भारत का स्वरूप किस रूप में होना चाहिए, क्या आजादी का मतलब क्यों राजनीतिक आजादी है, इस संपूर्ण आजादी के लिए जो अभियान चला था क्या उसका मतलब संपूर्ण आजादी नहीं थी, क्या केवल राजनीतिक आजादी के लिए सत्ता का हस्तांतरण मात्र देश की आजादी के आंदोलन का उद्देश्य था। इस्लामिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स बख्शीपुर के उत्तरी द्वार पर निर्माणाधीन पोर्टिको का छज्जा बुधवार की शाम भरभरा कर गिर पड़ गया जिसके नीचे दो मजदूर दब गए। लगभग ढाई घंटे की मशक्कत के बाद एक मजदूर को निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया। देर रात जब तक दूसरे मजदूर को निकाला जा सका उसकी मौत हो गई थी। हादसे में कुछ और लोग भी घायल हुए हैं। घटना के बाद डीएम कृष्णा कुरेश ने नगर मजिस्ट्रेट की अगुवाई में 3 सदस्य टीम गठित की है। इसमें लोक निर्माण विभाग के प्रांतीय खंड के अधिशासी अभियंता व निर्माण खंड के अधिशासी अभियंता को शामिल किया गया है। कमेटी को घटना की वजह व जिम्मेदारों का उत्तरदायित्व तय करते हुए तत्काल रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। घटना में मृतक की पहचान बढ़लगंज की परसिया मिश्र निवासी 52 वर्षीय राजू के रूप में हुई है जो वर्तमान में बसंतपुर सराया में किराए के मकान में रह रहे थे। इस दौरान एडीजी जोन अखिल कुमार, कमिश्नर रवि कुमार एनजी, डीआईजी जे रविंद्र गौड़, एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर, नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह, एडीएम वित्त राजेश कुमार सिंह, एसपी सिटी कृष्ण विश्नोई सहित एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के जवान मौजूद रहे। इस संबंध में सिटी मंच संवाददाता से बात करते हुए जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने बताया। कल कोतवाली थाना क्षेत्र का इस्लामिया इंटर कॉलेज था जिसमें पोर्च का निर्माण हो रहा था जिसमें वो निर्माण ढह गया। तो दो लोग उसमें दब गए थे, एक को हम लोगों ने रेस्क्यू करा लिया वो ट्रीट हो रहे हैं, दूसरे उसमें मृत हो गए हैं। तो पूरे प्रकरण की जाँच सिटी मजिस्ट्रेट को दी गई और अगर किसी स्तर से लापरवाही अगर हुई है कार्रवाई की। जनपद में अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में चलाए जा रहे अभियान के तहत
बेलघाट थाने के पुलिस ने अपहृत बालक को बरामद करते हुए अपहरणकर्ता को भी गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान अनिल के रूप में हुई है। बता दें कि 6 वर्षीय बालक नीलेश को घर से उठाने के बाद उसके परिजनों से 20,000 की फिरौती मांगी गई थी, जिस पर पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में पुलिस लाइन सभागार में पत्रकार वार्ता कर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी अरुण कुमार सिंह ने बताया, 20/21 की रात की एक घटना है थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर के गांव बलुआ भवानी बक्सिंग की। वहां श्रीमती आशा देवी नाम की एक महिला का बच्चा रात में गायब हो जाता है। पूरा घटनाक्रम इस तरह का है कि अनिल नाम का एक व्यक्ति इनके यहां पिछले 20-25 दिन से नौकर के रूप में काम कर रहा था, घर के काम में हाथ बटा रहा था। 20 तारीख को दिन में इनका मोबाइल गायब हो जाता है और अनिल भी घर पे वापस नहीं आता है, लेकिन रात में ही जब ये सोई थी उसी समय इनका 5 वर्षीय बच्चा गायब हो जाता है। 2-2.5 बजे के आसपास इनकी नींद खुलती है, बच्चा नहीं मिलता है, फिर ये परेशान होती हैं और अचानक इनका जो गायब मोबाइल था उसी फोन से इनके देवरानी के फोन पर फोन आता है कि अगर बच्चा चाहिए तो बता दो कि 20,000 रुपया दे जाए। इन्होंने तत्काल पुलिस को सूचना दिया। रात में ही थाना प्रभारी बेलघाट और चौकी इंचार्ज कुरी बाजार ने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के माध्यम से घेराबंदी करने का प्रयास किया और उसमें फिर ये कहीं भाग नहीं पाया। कल इनकी तहरीर पर मुकदमा लिखा गया और बच्चे की भी सकुशल बरामदगी हो गई, अभियुक्त पकड़ लिया गया है, जिसे बात पूछताछ माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। इस आरोपी का आपराधिक इतिहास खंगालने पर इसके विरुद्ध पूर्व में 2 मुकदमे पंजीकृत पाए गए हैं, एक चोरी का है और एक चोरी के उपकरण के साथ पकड़े जाने का है। जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने जनपद के विभिन्न कार्यालयों में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के समय से उपस्थिति के लिए मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिला अधिकारी व उप जिला अधिकारी से विभिन्न कार्यालयों का औचक जांच कराया, जिनमें से 70 से अधिक अधिकारी व कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए, जिसको लेकर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को विभागीय कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने बताया, जो जो लोग एबसेंट हुए सब पूर्व में भी निरीक्षण कराए गए और सभी को हिदायत भी दिया गया है, इस बार जो जो एबसेंट पाए गए इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। AK टेंट एंड केटरर्स, हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह, हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पांडा, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9939359081। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आइए देखते हैं दिन भर। जिला चिकित्सालय में इलाज कराने वाले मरीजों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अस्पताल में सिटी स्कैन मशीन खराब है,
इसके साथ हुई सिटी स्कैन का प्रिंटर भी खराब हो गया है। पिछले कई दिनों से सिटी स्कैन मशीन में आई खराबी से मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले में SIC डॉक्टर राजेंद्र कुमार ठाकुर ने बताया कि मशीन का रोटर और प्लेट खराब हो गया है। इंजीनियरों की काफी कोशिशों के बाद भी मशीन नहीं बन पाई। इसे ठीक कराने के लिए लखनऊ भेजा जा रहा है। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए SIC डॉक्टर राजेंद्र कुमार ठाकुर ने बताया, सिटी स्कैन की जो जिला अस्पताल की मशीन जो बार बार खराब हो रही है, उसके पीछे हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएशन की सबसे पहले अहम बात है। उसके चलते बार बार अचानक लाइट का कट जाना भी है, और साथ में जो हमारे बैकअप दिए जा रहे हैं UPS के थ्रू वो, और जब ये लगातार पिछले शनिवार से हो रही थी तो हम लोगों ने ब्लू स्टार के इंजीनियर श्री प्रेम को, जो कंपनी के अथोराइज ये इंजीनियर है, उनको बुलाया के यहाँ दिखाया गया। 3 दिन लगाने के बाद भी लास्ट में उन्होंने कहा कि सर ये हमसे बन नहीं पाएगा, तो हमसे इजाजत लेके वो मशीन का पार्ट अंदर का कोई डिजिटल प्लेट ले गए हैं और लेके कल ही शाम को गए हैं, और वो बोले कि मैं उनको ले जाकर वहाँ करेक्शन कराता हूँ, नहीं तो फिर मैं आता हूँ। अगर वो नहीं करेक्ट हो पाता है तो फिर नए मशीन के लिए वो पर्टिकुलर डिजिटल पार्ट आएंगे वो दिल्ली से, फिर वो लग के तब मशीन क्रियान्वित हो सक पाएगी। बुधवार के शाम इस्लामिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स बख्शीपुर में निर्माण के दौरान हुई हादसे में 52 वर्षीय राजू वर्मा की मौत पर स्वर्णकार कारीगर सेवा कल्याण समिति के अध्यक्ष त्रिभुवन कुमार वर्मा के नेतृत्व में समिति के सदस्यों ने श्रम आयुक्त से मुलाकात कर मृतक परिवार को उचित सहायता एवं सहयोग प्रदान करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा और जल्द से जल्द उचित कार्यवाही करने की मांग की है। इस मौके पर महामंत्री रिंकू कुमार वर्मा, उपाध्यक्ष ध्रुव कुमार वर्मा, कोषाध्यक्ष रतनदीप कुमार वर्मा सहित बड़ी संख्या में स्वर्णकार कारीगर कल्याण सेवा समिति के पदाधिकारी व सदस्य मौजूद रहे। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए स्वर्णकार कारीगर कल्याण सेवा समिति के अध्यक्ष त्रिभुवन कुमार वर्मा ने बताया, आज कल जो इस्लामिया इंटर कॉलेज में जो दुर्घटना हुआ है, जो व्यक्ति मरे राजू प्रसाद वर्मा जी, वो हमारे स्वर्णकार समाज से बिलोंग करते हैं, तो हम स्वर्णकार कारीगर कल्याण सेवा समिति के अध्यक्ष हैं। आज स्वर्ण एक्ट पर एक ज्ञापन दिया गया है कि कृपया उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है, क्योंकि 17 वर्ष बच्ची है और भरण पोषण वही करते थे और किराए के मकान पर रहते हैं, तो वही निवेदन किया गया कि ताकि उनका परिवार का भरण पोषण हो और लड़की की शादी के काम में आए। किस संघ ने किस अधिकारी शर्म आयुक्त जी उच्च अधिकारी से उनसे मुलाकात हुआ है, बहुत ही हम लोग को संतावना दिए हैं कि इस पर हम लोग कार्रवाई करके उनको, और जिलाधिकारी महोदय को भी ज्ञापन दिया गया है, वो भी हम लोग आश्वासन दिए हैं कि इस पर हम लोग उचित कार्रवाई करके बहुत जल्दी सहयोग प्रदान करेंगे। क्या मांग मुआवजा में कि जो भी है, जो भी सरकार की तरफ से और मिल जाए, जो सरकार का परिवार का पलम पोषण हो, यही हम लोग मांग रहे हैं। माँ तरकुल्हा देवी धाम चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष राज नारायण सिंह के नेतृत्व में ट्रस्ट से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं ने माँ तरकुल्हा देवी मंदिर पर नवरात्र में लगने वाले भव्य मेले के दृष्टिगत आने वाले श्रद्धालुओं की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए मोबाइल, शौचालय एवं शुद्ध पेयजल की व्यवस्था के साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को और चौक चौबंद करने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर को ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द उचित कार्यवाही करने की मांग की है।
इस संबंध में सिटीवन संवाददाता से बात करते हुए माँ तरकुल्हा देवी धाम चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष राज नारायण सिंह ने बताया। आपके यहाँ ज्ञापन दिए हैं, जैसे 26 तारीख से शारदीय नवरात्र शुरू हो रहा है तो श्रद्धालुओं की संख्या वहाँ काफी बढ़ जाती है तरकुल्हा मंदिर पर, तो उसके लिए शौचालय की व्यवस्था, मोबाइल शौचालय, पेयजल की सुविधा और भी SSP साहब के आप लोग दिए हैं ज्ञापन सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि आए दिन वहाँ कुछ अराजक तत्व हमेशा रहते हैं और छिनैती उनैती जैसी घटनाएं होती रहती हैं, तो अतिरिक्त सुरक्षा अगर मिल जाएगी तो वहाँ व्यवस्था अच्छी हो जाएगी। इसी संदर्भ में हम लोग SSP साहब के यहाँ और माननीय DM साहब के यहाँ दोनों लोगों के यहाँ ज्ञापन दिए हैं। दिन भर में बस इतना ही, आई नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार की 130वीं जयंती समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भाई जी के जीवन पर डाला प्रकाश। इस्लामिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स के निर्माणाधीन पोर्टिको का छज्जा गिरा, एक की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। बेलघाट थाने की पुलिस ने 24 घंटे के अंदर अपहृत बालक को बरामद कर अपहरणकर्ता को किया गिरफ्तार। जिलाधिकारी ने दी जानकारी, कहा अनुपस्थित मिले अधिकारियों व कर्मचारियों पर होगी विभागीय कार्यवाही। जिला चिकित्सालय में सिटी स्कैन मशीन व प्रिंटर खराब, मरीजों को करना पड़ रहा है दिक्कतों का सामना। स्वर्णकार कारीगर कल्याण सेवा समिति के सदस्यों ने हादसे में मृत राजू वर्मा के परिजनों की सहायता के लिए श्रम आयुक्त को सौंपा ज्ञापन। और माँ तरकुल्हा देवी धाम चैरिटेबल ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने मेले के दृष्टिगत श्रद्धालुओं की सहूलियत को देखते हुए मोबाइल शौचालय, शुद्ध पेयजल व सुरक्षा को लेकर सौंपा ज्ञापन। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। साईं प्रणाम।